ये दिन दिखाने के लिए मेरे को बुलाया था, ऐसे करने के लिए बोलो सॉरी। क्या सॉरी, ये इज्जत रहेगी मेरी? चार लोगों के सामने बुला करके बेइज्जती कराई। हेलो दोस्तों, पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों मैं आज फिर से एक हेल्पिंग वीडियो लेके आया हूँ। ये भाई हैं, इनका नाम है आशीष। इन्होंने मेरे को काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, तो जब इनसे कॉल पे भी बात हुई है दो चार बार, तो जब इन्होंने यार मेरे को अपनी स्टोरी बताई तो मैं खुद नहीं सोच सकता यार लड़कियाँ ऐसा कर रही हैं आजकल। तो भाई जो भी आपने स्टोरी बताई थी मेरे को, जो भी आपके साथ हुआ है, तो वो सामने कैमरा लगा हुआ है, तो आप प्लीज़ बताओ कि भाई आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। भाई पहले तो आप मेरी हेल्प करने आए, इसलिए मेरे को थैंक यू कहने का भी बहुत वो है। कोई नहीं भाई, वो तो चलो। मैं भाई घर से पढ़ने के लिए आया था। अच्छा भाई, तो घर से पढ़ने के लिए आया मैं, कॉलेज में आया, मेरी फ्रेंड बनी दीपांशी, एक लड़की दीपांशी है, वो मेरी फ्रेंड बनी। हाँ जी। तो मैं उसका और मेरा रिश्ता जो भी था वो मेरे को भैया कह देती थी कभी भी। हाँ। मतलब ऐसी फ्रेंड, भाई बहन का रिश्ता हो गया। ऐसी भाई बहन का रिश्ता हो गया। हाँ जी। तो उसने मेरे से एक दिन मतलब मदद के लिए कह देती थी, कुछ भी मदद कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, मदद कर देता था मैं उसकी। हाँ। उसने कहा मेरे से कि एक दिन कि मेरी मम्मी बीमार है बहुत। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, मेरे से क्या मदद चाहिए वो बता मेरे को। हाँ। उसने कहा मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने उसे पैसे दे दिए, उसकी मम्मी वो मेरे से झूठ बोल रही थी, मुझे पता नहीं था कि ये झूठ बोल रही है क्या नहीं। तो उसका एक फ्रेंड मिला मुझे, बॉयफ्रेंड था उसका। हाँ हाँ। उससे मेरी दोस्ती हुई। हाँ। उससे पूछा मैंने कि इसकी मम्मी ठीक है या नहीं। हाँ। उसने कहा कि इसकी मम्मी तो ठीक है। हाँ। वो जॉब करती है। मैंने कहा यार इसने तो मेरे को धोखा दे दिया। हाँ। ठीक है जी, ऐसे चलता रहा। फिर क्या नाम है वो लड़की, मैंने कहा मेरे एक बार फिर से मदद मांगी उसने मेरे से। हाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, एक बार फिर मदद कर दी मैंने। हाँ। फिर दोबारा कहा उसने मदद के लिए, लेकिन फिर मेरे पे पैसे नहीं थे, नहीं मैं मदद कर सकता था। मैंने उससे क्लियर मना कर दिया कि मेरे पास अब मदद करने के लिए मेरे पे पैसे नहीं है तेरे। हाँ। लिए ठीक है। तो उसने मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, एडिट फ़ोटो कर दिया, पता नहीं कैसा फ़ोटो था, लेकिन बहुत गंदा फ़ोटो था आपका। हाँ जी। अच्छा। तो उसने मेरे को एडिट करके दिखाया मेरा, मतलब मैंने सोचा लड़की इतना भरोसा बनती मेरे पे, मतलब बहुत भरोसा था, इतने इसने भी ऐसा कर दिया। अच्छा। तो उसने लड़की मेरे को ब्लैकमेल करने लगी फ़ोटो दिखा के। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। उसने कहा मेरे से कि मेरे को रुपए चाहिए, नहीं तेरी फ़ोटो वायरल कर दूंगी। मैंने कहा भाई ऐसा। अच्छा, मत तो कर। वो अब धमकी देने लग गया। हाँ जी, धमकी देने लग गई। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे पे अब मदद करने के लिए पैसे नहीं है। हाँ। उसने कहा मेरे को फ़ोटो दिखा दूंगी मैं। अच्छा। नहीं रुपए दो मेरे को संडे को। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, संडे को मेरे पे पैसे नहीं है, अब कहीं भी नहीं है मेरे पे पैसे, मैं मदद नहीं कर सकता। हाँ। तूने बहुत झूठ बोल लिया है मेरे से, मेरे को पता चला है कि तूने क्या झूठ बोला है क्या नहीं। हाँ। लेकिन तूने मम्मी का झूठ बहुत गलत बोल दिया मेरे से। हाँ। तो भाई उसने बहुत बुरा गलत किया मेरे को, बहुत वो कर रही है, टॉर्चर कर रही है कि मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगी। अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पैसे, कितना ही कुछ कर ले। अच्छा। मैंने ये कहा उससे, लेकिन वो मान नहीं रही। तो भाई आप, भाई मैं क्या करूँ इसका, अब ये बताइए आप। कोई बात नहीं भाई, आपकी हेल्प करेंगे। तो आज आप है ना उनको कॉल कर दो एक बार। अच्छा भाई ठीक है, कॉल कर लो और कह दो कि यार मैंने ना अपने यार दोस्त से पैसे उधारे लिए हैं। हाँ। और मैं तेरे को दे दूंगा और तुम मेरी फ़ोटो डिलीट कर दें। ठीक है भाई, मैं अभी करता हूँ उसको कॉल। उसने आज का ही समय दिया था संडे के लिए। अच्छा। हाँ, उसको आना और ये लोकेशन भेज देना। ठीक है भाई। ठीक है, मैं छुप जाऊँगा कहीं पे और तुम उसको कॉल करके यहाँ पे बुला लो। ओके भाई, थैंक यू। कोई नहीं भाई, एक बार कॉल करो। एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ। हाँ, और लाउड स्पीकर पर कर देना फ़ोन भाई। मेरे को तेरे से मिलना है, तेरे पैसे तैयार हैं? रेडी है ना पैसे? हाँ रेडी हैं पैसे। जब मैं आऊंगी अगर नहीं मिले तो? नहीं, पैसे मिलेंगे। तू फोन लेके आई हो जिसमें फोटो है, उसको जरूर लेके आना है। अच्छा, दिमाग मत खराब करिए अगर नहीं मिले तो। नहीं नहीं, पैसे तैयार है, मैंने अपने दोस्त से लिए तेरे को देने के लिए। आ जा, लोकेशन भेज रहा हूँ मैं तेरे पास अभी। ओके। तो भाई एक बार आप उसको लोकेशन भेज दो। लोकेशन भेज दो। ठीक है उसके पास। हाँ लोकेशन भेज दो आप भाई। तब तक है ना इस कैमरे को भाई थोड़ा साइड में कर देना। तो ये माइक है भाई, ठीक है, इसको अपने पास रखो और घबराना मत। ठीक ठीक है, उसे एक बार प्यार से बात करके देखना, मैं आपके आस पास ही रहूँगा यहाँ पे। ठीक ठीक है।
20 मिनट्स लेटर। तो भाई शायद देखो वही तो नहीं है वो लड़की। हाँ भाई ये भाई एक बार उस साइड कैमरा कर दे। ठीक है भाई घबराना मत, तब तक मैं चला जाता हूँ, यहीं पे रहना आप। ठीक है ठीक है भाई। पैसे कहाँ हैं? दो मिनट के लिए बैठ तो सही। पैसे कहाँ हैं? मैं पैसों के लिए आई हूँ। पैसे हैं तेरे? पैसे रेडी हैं? पैसे रेडी हैं तेरे? अभी यहीं पे हैं, पहले तू फोटो डिलीट कर दे मेरा। मेरे को पैसे दे, मैं फोटो डिलीट कर दूंगी अभी के अभी। अभी दे दूंगा ना, आप बैठो तो सही, दो मिनट बैठ। हाँ बोल क्या है? तूने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया ये बता पहले। मैं यहाँ बकवास सुनने नहीं आई तेरी, मेरे को पैसे दे दूंगा मैं आपके, पैसे दे दूंगा, लेकिन तूने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? मैं यहाँ बकवास सुनने आई हूँ क्या? तेरे को पैसे देने के नहीं देने, मैं ये वायरल करूँ वीडियो? फोटो पहले काट दे मेरा। मैं फोटो डिलीट कर दूंगी, मेरे को पहले पैसे दे दे। देख दिमाग मत खराब कर, मैं यहाँ बकवास सुनने नहीं आई, तेरे को फोन पे पहले ही कह दिया था मेरे को पैसे चाहिए। तो पैसे तो तेरे रेडी हैं, तू फोटो काट दे मेरा। तू दे रहा है कि नहीं पैसे? देख सुन, मैं तेरे से इतना ट्रस्ट करता हूँ, इतना ट्रस्ट करता हूँ मैं तेरे पे, लेकिन तू मान जा प्लीज। ये ड्रामे मत कर, मैं जा रही हूँ। क्या हो गया भाई? इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। क्या हो गया भाई? तू है कौन? बहुत गलत कर दिया भाई इसने मेरे साथ। क्या हो गया? फोटो, वही फोटो डिलीट कर। हेलो चुप जा, क्या बात तो करने दे। मैं फोटो डिलीट के लिए कह रहा हूँ, फोटो डिलीट नहीं कर रही, पैसे की। हाँ जी यही है भैया। तू है कौन? तूने किसको बुलाया है? मैं हूँ इसका भाई, मैंने पैसे देने हैं। बोल क्या करेगी तू? इसको बुला मत, इसको भेज दे, तक दिमाग मत खराब कर। हेलो, अभी दो मिनट लगेंगे वायरल करने में। चुप, मेरी बात सुन ले, चुप हो गई। तू है कौन? मैं इसका दोस्त हूँ, ठीक है, मैंने ही पैसे देने हैं। क्या क्या वायरल करेगी? चाहता वायरल कर दूं। क्या करेगी? चाहता है ना, तूने जब इसको बुलाया है ना। मैंने इसको अपनी हेल्प के लिए बुलाया, तूने क्या हेल्प? तू पैसे दे दे, मैं डिलीट कर दूं, खत्म। बात सुन, हेलो मैडम, किस चीज के पैसे मांग रही तू है? तू है कौन? मैं इसका भाई हूँ, ज्यादा वो कर मत कर, ठीक है, मत खराब कर, जाए यहाँ से। और मेरे को अभी लगेंगे वायरल करने में, इसको भेज देना। तो मेरी बात सुन मैडम, ज्यादा वो मत कर, ठीक है, मैं प्यार से बात करूँ, प्यार से बात कर ले। तू नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा, वायरल करनी पड़ेगी। क्या ना? ये क्या फोन दे? क्या फोन दे ना? ये जब कह रहा, ये जब कह रहा प्यार से बात कर ले, तो आपको वो नहीं आता क्या? तू है कौन? बात हमारी चल रही है, तू बीच में बोलने वाला कौन बन रहा है? मैं ये मोबाइल तोड़ दूंगा, फिर क्या करोगी? दे। क्या करोगी? फोन दे, आराम से फोन मांग दूंगा। मैं नहीं दूंगा, पहले मेरे से बात करो आराम से, कि भाई ऐसा क्या, क्यों इसकी वो कर रही हूँ मैं, इसने कितनी बार पैसे दिए हैं आपको? तू है कौन? तेरे को क्यों बताऊँ मैं, ये बता, बात हमारी चल रही, तू है कौन? आप ये बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो कि पैसे क्यों दिए हैं? मैंने अपना मैटर है हमारा, तो तुम होते कौन हो? तूने क्यों बुलाया? ये मेरा भाई है, ये तो भाई है, तो मैं क्या करूं? बात तेरी और मेरी हो रही है ना। बात सुन ले, तू फोन दे। मैं फोन नहीं दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है, तू फोन दे पहले, वरना क्या करूं? फोन नहीं दिला रहा, नहीं दे रहा मैं, बताओ क्या करोगी? वायरल करना आप, बहुत देर हो रही है, वायरल कर दूंगी, वायरल कर दूंगी। लड़की है इसलिए चुप हूँ, समझ गई? क्या कर लेगा? क्या एक थप्पड़ मार के नीचे गाड़ दूंगा, पता है? जा। बताऊं क्या? ऐसा बहुत देखे मैंने, बताऊं क्या? हाँ। है वहाँ पे भी देख, ठीक है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। क्या उखाड़ लेगा तू कैमरे से? क्या उखाड़ लेगा? लाइव देख रहे हैं तेरे को, देखने दे, नहीं डरती मैं किसी से, किसी से नहीं डरती। पहले तू मेरा फोन दे, दे। बोलना करना अब है, और चुप हो गए, यहाँ पे बैठ जा, समझ गए? बोलना अब, तूने मेरा फोन, ठीक है, तेरी सारी रिकॉर्डिंग बना दी मैंने, समझ गई बात? फोन मैं तोड़ूंगा, और बता, और बात सुन। हेलो भाई, इसको वो दे, इसको भेज अपना मोबाइल, इसको लॉक करना एक बार, मेरी बात सुन, चुप हो के बैठ, अपनी मम्मी का नंबर बोल, मम्मी का नंबर बोल जल्दी, मेरे को नहीं याद, मैं सच में कह रहा हूँ, वहाँ पे लाइव देख रहे हैं तेरे को इस टाइम, समझ रही बात? मेरे पास हाथ मत लगा, मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ, वो देख वहाँ पे लाइव चल रहा है इस टाइम, सब कुछ समझ रही हो? वहाँ पे साल ऐसा वायरल करूँगा ना, तेरे को याद रखेगी सारी जिंदगी, समझ रही है? वायरल कर दूँगी, वायरल कर दूँगी। मम्मी का नंबर बता जल्दी। 93 54। तेरे को अभी बताता हूँ मैं, घबरा मत भाई, इसकी मम्मी को बुला रहा हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है? बता भी तो लगना चाहिए ना इनके घर वालों को। भाई रहने दो, हो गई गलती। नहीं, तेरे घर वालों को भी पता होना चाहिए ना। मत बोला भाई, हो गई गलती, मैं माफी मांगती हूँ तेरे से। नहीं, हेलो हेलो, हाँ आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी जी, आपकी लड़की क्या नाम, आप नाम बताओ अपना। भाई रहने दो, एक बार बात कर लो, बात करो अपनी मम्मी से, बात करो। हेलो हेलो, हाँ मम्मी, क्या हुआ बेटा? दुकान से
मम्मी कुछ थोड़ी बात हो गई है। किसका फोन था ये? आंटी जी मैं कर रहा हूँ बात, मेरी बात सुनो। ये आपकी लड़की है ना, बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रही है, ठीक है? ये लड़को हाँ, एक बार ना आप ये पार्क है, ये मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, उस पार्क में आ जाओ आप। क्या चुप है? ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ। इससे भी माफी मांग है, माफी आंटी आप जल्दी आओ थोड़ा, ठीक है? ठीक है बेटा मैं आ रही हूँ, आप वहीं पे रहना। हाँ ठीक है आंटी जी, जल्दी आ जाओ, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको। तुम्हें नहीं, तुम्हें शर्म नहीं है ना भाई? मैं पैसे वापस नहीं, अभी रुक जाओ, तुम्हारी मम्मी को अभी लोकेशन भेजने दे, अभी बताता हूँ तेरे को मैं। भाई मैं पैसे वापस कर दूंगी, रहने दे भाई। सॉरी भाई, आंटी को आने दे, कोई वो नहीं हमें, पता चल, ठीक है? उनको भी तो पता होना चाहिए कि लड़की उनकी कैसी है। हाँ आंटी को भी तो पता लगना चाहिए ना, क्या वो करती हो तुम, ठीक है? 20 मिनट्स लेटर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आपने कॉल किया था? हाँ मैंने ही कॉल किया, यही है आपकी लड़की? हाँ ये मेरी बेटी है। इसकी हरकतें जानते हो आप? क्या हो गया बेटा? ये उस लड़के भाई अपनी प्रॉब्लम बताना इनको, क्या होगी? आंटी जी मैं अपने घर से आया था पढ़ने के लिए कॉलेज में। हाँ जी। तो हम दोनों फ्रेंड हो गए। हाँ जी। तो साथ में पढ़ते रहे, आपको इसने ये कहा मेरे से कि मेरी मम्मी बीमार है, मेरे को हेल्प चाहिए। मैं बीमार हूँ? हाँ जी आपको कहा इसने कि आप बीमार हो, मेरे से कहा कि मेरे को हेल्प चाहिए। ओके। मेरे को रुपए चाहिए अभी और मम्मी को इलाज कराना है। मैंने कहा ठीक है पैसे दे दूँगा, मेरी भी आंटी लगती है, तो मैंने इसे पैसे दे दिए। इसने मेरे से कितनी बार पता नहीं तुम्हारा नाम लेके, मतलब कि लंटी ये लोगों से झूठ बोल रही है, ठीक है? जैसे ये है एक दो लड़के से और पैसे इसने ठगे हुए हैं, पैसे ठग रही है लोगों से झूठ बोल के। दीपांश क्या कमी रह गई थी बेटा मेरी परवरिश में जो तुमने ये दिन? और आंटी इसकी इतनी गंदे तरीके से फोटो बनाई हुई इसकी, कह रही है तूने मेरे को पैसे नहीं दिए ना। ये करने के लिए जाते हो? मुझे जो गिफ्ट दिखाते थे कि फ्रेंड ने दिए, ऐसे आप फ्रॉड करते हो बच्चों के साथ? गलती हो गई। आपको पता है वो भी किसी का बच्चा है, वो भी पढ़ने आए, कैसे पैसों का अरेंज करता है? आपने मेरी बीमारी का झूठ बोल के इनसे पैसा लिया और बहुत ज्यादा। शर्म नहीं आई? अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए हकीकत में क्या करोगी आप? क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? मैं कमा रही हूँ, तुम्हारी परवरिश कर रही हूँ अच्छी। और बहुत बदतमीजी से वो कर रही थी आंटी ये बातें। मैंने कहा प्यार से बात कर ले, प्यार से। मैंने इसका मोबाइल तोड़ दिया आंटी, उस चीज़ के लिए मैं सॉरी, इसका मैंने मोबाइल तोड़ दिया। नहीं कोई बात नहीं, वो तो मोबाइल का मुझे पता है, रात रात भर लगी रहती है, किससे फोन पे बात करती है कुछ नहीं पता। बोलो तो कहती हूँ मम्मी नहीं मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है। उससे कह रही है कि पैसे दे मेरे को 2 लाख रुपये, कहाँ से देगा आंटी वो? अगर आज तुम्हारे भाई के साथ कोई लड़की ऐसा करे तुम्हें कैसा फील होगा? सॉरी भाई आंटी मैं बहुत तंग हूँ, इसने बहुत तंग कर लिया अब तक। मैं घर से पैसे लाता था, घर वाले भी ये सोचते थे कि पढ़ता है हमारा लड़का, लेकिन इसने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। पर आंटी जी देखो मैं ये दिन दिखाने के लिए मेरे को बुलाया था ऐसे करने के लिए? बोलो सॉरी। क्या सॉरी? ये इज्जत रहेगी मेरी? चार लोगों के सामने बुला करके बेइज्जती कराई है? मैं कैसे कमाती हूँ तुम्हें पता है, कैसे करती हूँ मैं है? आज तुम्हारे भाई के साथ कोई लड़की ऐसा करे तुम्हारे पे कैसे बीतेगी? बोलो नहीं यार, बोलो इनके में नहीं, मैं बिल्कुल नहीं अब कुछ मानूंगी। नहीं नहीं तुमने मेरे को खूब जलील करा, नहीं कुछ नहीं चलेगा। सॉरी भाई बोल, नहीं अब अपनी मम्मी मम्मी से, अरे आंटी जी से बोलो आप, आंटी जी करेंगे जो करेंगे। नहीं तुम्हारा यही ड्रामा रहता है, तुम इतने पैसे कहां से लाती हो मुझे कुछ नहीं पता। दीपांशी खड़ी हो जाओ दीपांशी। देखो आंटी जी वैसे इसको समझाओ, वैसे है ना हमने देखो वहाँ पे कैमरा भी लगाया हुआ था, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बदतमीजी से पेश आ रही थी हमारी। मैं अब से नहीं करूंगी किसी अब तो तुम्हारी ये पूरी इंडिया में जाएगी वीडियो, पूरे उसमें फेमस हो जाओगी ना तुम कि हाँ ये लड़की ऐसे काम करती है। तुमने मेरी परवरिश पे धब्बा लगाया दीपांशी, मैं तुम्हारी माँ के लाने लायक नहीं रही हूँ। बहुत ज्यादा वो करती थी आंटी ये, इस लड़के को मेरे को ये यूपी का है ये बताओ, वो बेचारा पढ़ने आते है कि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने आते है, तुमने इस तरह से काम करने शुरू कर दी है। बेटा मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूंगी जैसे भी होंगे, प्लीज आप कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात आप नहीं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे गलती हो गई, मैं आगे से इसको संभाल के रखूंगी, अब मैं इसे निगाह में रखूंगी, इसे कहीं नहीं छूट दूंगी। पता आपने आंखें खोल दी है मेरी, इसकी तो खोली खोली लेकिन मेरी भी खोल दी आंखें। कोई बात नहीं आंटी, देखो पता क्या मैंने कैमरा इसलिए लगाया होता, ये बहुत बदतमीजी से पेश आ रही थी, ठीक है? अब अगर तुम्हारी वीडियो वायरल होगी मैं कहाँ मुंह दिखाने रह करूंगी? कल को मुझे तुम्हारी शादी करनी है, कौन लड़का तुमसे शादी करेगा बोलो? अब मैं इसका घर जाना और कॉलेज जाना जो भी है जहाँ जाएगी मैं खुद इसके साथ जाऊंगी, क्योंकि इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। बेटा आपके
हाथ जोड़ती हूँ, सॉरी आपका इतना पैसा इसने खाया लेकिन मैं आपका पैसा लौटा दूंगी। कोई बात नहीं आंटी जी, आप हमारी माता जैसी हो, कोई नहीं भाई, कर लेना थोड़ा एडजस्ट, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर इसने जो किया ना वो गलत किया। नहीं बेटा देखो, आप कोई वो नहीं, प्लीज दिल से मत लगाना, आप फिर भी मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसकी माँ हूँ ना, तो कोई और होता तो वो गलत करता, लेकिन मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी। मेरी छूट का फायदा इस लड़की ने उठाया है, मैंने इसको अच्छे कपड़े, अच्छा ये पूरे सब कुछ मैंने खुला इसको दिया, लेकिन इसने कहीं ना कहीं उसका गलत प्रयोग किया है। कोई बात नहीं आंटी जी, कोई नहीं है आंटी जी, मैं नहीं बेटा नहीं, अब आपको बेफिक्र होकर रहो, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन नौकरी कर तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है आंटी जी, कोई वो नहीं है, पर वीडियो तो डालेंगे देखो हम, क्योंकि मैं इसका फेस ब्लर कर दूंगा। ठीक है आप फेस मत डालना, लेकिन आप अगर और लड़कियों को सबक मिले तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी वीडियो डाल के और लड़कियों को सबक मिले, लेकिन इसका फेस मत डालना। ठीक है आंटी जी, कोई ठीक है, ठीक है आंटी जी, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, कोई बात नहीं यार। हेलो दोस्तों, भाई मैंने उस भाई की हेल्प कर दी है और आंटी जी को भी बोल दिया कि ये वीडियो तो डालूंगा मैं, उस लड़के का फेस ब्लर है और किसी भाई बहन के साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ साइड में भी शो हो रहा होगा कि जो मेरा वो है इंस्टाग्राम का जो स्क्रीनशॉट लगा होता है, इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, जाके मुझे डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हो और मेरे को मैसेज करो किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, और अपने भाई के चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट वीडियो में नई मस्ती के साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ओके बाय।